राउंड बहुत तगड़ी गेम जाने वाली है और मैच में मुझे लग रहा है स्पेन जीतेगी और स्पेन मतलब 2-0 या 2-1 से जीतेगी और मुझे लग रहा है कि जर्मनी अपसेट लेगी। मुझे लग रहा है जर्मनी का सफर खत्म होगा क्वार्टर फाइनल्स में। फ्रांस यहाँ पे जीतेगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि और एक पेनाल्टी शूट आउट होगा और मुझे लग रहा है इस बार पेनाल्टी शूट आउट में यहाँ पे पुर्तगाल के कोई तो एक बंदा ऐसा ब्लंडर करेगा और जिसके वजह से यहाँ पे पुर्तगाल सेमीज में नहीं जा पाएगी। और आपको पता होगा मेरे यूएफा यूरो क्वार्टर फाइनल्स के प्रेडिक्शन कितने एक्यूरेट गए थे और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमीफाइनल के प्रेडिक्शन। तो वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आज मैच होगा फ्रांस वर्सेस स्पेन का। स्पेन का सबसे बेस्ट मैच होगा आज का मैच। स्पेन ने जर्मनी को उनके ही होम ग्राउंड पे हराया था और आपको पता है कि जर्मनी को स्पेन ने कैसे हराया था। मोरेनो का लास्ट मिनट विनर और ऑलमोस्ट बाई ऑलमोस्ट पेनाल्टी शूट आउट जाने वाला था। और मेरी प्रेडिक्शन आपने देखी होगी स्टार्टिंग इंट्रो में और मैंने एक्यूरेट बताया था कि 2-1 से जीतेगी स्पेन। यमाल अपना कमाल दिखा रहा है और पूरी दुनिया को यहाँ पे दिखा रहा है कि वो भाई क्या बंदा है। और बार्सा फैंस यहाँ पे बहुत खुश हैं कि मेसी के बाद हमको ऐसा टैलेंट मिला है और वो भी ला मासिया से। और दूसरी तरफ यहाँ पे फ्रांस जो टीम मतलब उतना भी प्रॉमिसिंग खेली नहीं है पर उन लोगों ने पुर्तगाल को बाहर फेंका है। और मैंने जैसे बताया था कि मेरी प्रेडिक्शन वीडियोस में क्वार्टर फाइनल्स के प्रेडिक्शन वीडियोस में मैंने बताया था कि पुर्तगाल का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर कोई तो पेनाल्टी शूट आउट में ब्लंडर करेगा और मिस करेगा पेनाल्टी और वही हुआ। और मैंने बोला था कि बहुत चांसेस यहाँ पे मिस करेंगे दोनों टीम। यहाँ पे पुर्तगाल का आपको पता है कितने चांसेस मिस किए उस मैच में। रोनाल्डो भाई ने भी मिस किया था तो मेरी तो वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट रही थी। और इस मैच के प्रेडिक्शन अगर बताऊं फ्रांस वर्सेस स्पेन का तो मुझे लग रहा है गाइस ये मैच भी बहुत टाई होने वाला है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऑलमोस्ट पहले फ्रांस स्कोर करेगी फिर स्पेन को स्कोर करके फिर और एक बार फ्रांस स्कोर कर सकती है और क्या पता फिर स्पेन भी स्कोर कर जाए और ये एक्स्ट्रा टाइम तक भी चला जाए। पर मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये मैच पेनाल्टी शूट आउट में नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है जो भी होगा वो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 120 मिनट से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि फ्रांस ये मैच जीतेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा स्पेन फैन भी हूँ पर फ्रांस को सपोर्ट करता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रांस इस मैच को जीतेगी। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये मैच 90 मिनट्स में के अंदर भी ख़त्म हो सकता है। 2-1 टू विक्ट्री टू फ्रांस। और मुझे लग रहा है कि एम्बापे इस मैच में भी कुछ नहीं ज़्यादा कर पाएगा। ग्रिज़मन कांटे राबियोट इनमें से कोई तो गोल मार सकता है और मुझे लग रहा है कि फ्रांस जीतेगी इस मैच को। और आप बोलोगे कि भाई फ्रांस यहाँ पे बहुत मतलब गंदी टीम है कुछ परफॉर्म नहीं किया वगैरह, बट यही फुटबॉल है गाइस। और मुझे लग रहा है कि फ्रांस यहाँ पे फाइनल में जाएगी यूएफा यूरो 2024 के। और दूसरी तरफ यहाँ पे दूसरा सेमीफाइनल होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड। और हमारा लेजेंड यहाँ पे कोमान की टीम यहाँ पे सेमीफाइनल तक पहुँच गई है और वो भी यहाँ पे प्रबल दावेदार है फाइनल में पहुँचने का। ये मैच भी बहुत तगड़ा होने वाला है। इंग्लैंड ने यहाँ पे मतलब अच्छी टीम है पर कभी कभी बहुत हकती है और लास्ट गेम आपको पता है उन लोगों ने कैसे जीता है। इंग्लैंड ने यहाँ पे स्विट्जरलैंड को हराया था पेनल्टी शूट आउट में और वो सेमीफाइनल की रेस में आगे बढ़ती हुई। और दूसरी तरफ यहाँ पे नीदरलैंड ने टर्की को 2-1 से हरा दिया था और कमबैक ही शॉर्ट किया था उन लोगों ने। और मैं भी शौक मुझे पहले लग रहा था कि टर्की यहाँ पे पहुँच जाएगी पर नीदरलैंड ने बोला भाई हम लोग भी जिंदा है हम भी कभी गिव अप नहीं करते। इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड यहाँ पे बहुत अच्छा मैच जाने वाला है और मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल के बाद लोग बोलेंगे भाई यूरोस तो डेड है यूरोस भाई मज़ा नहीं आ रहा देखने में बोरिंग मैचेस हो रहे हैं, पर सेमीफाइनल के मैचेस बहुत तगड़े जाने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि नीदरलैंड्स वर्सेस इंग्लैंड पेनल्टी शूट आउट तक जाएगा एक्स्ट्रा टाइम तक जाएगा। दोनों मुझे लग रहा है कि एक एक स्कोर होगा पर पेनल्टी शूट आउट में जीतेंगे इंग्लैंड। और मुझे लग रहा है कि फाइनल जो होगा यूएफए यूरोस का वो होने वाला है फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड। आप बोलोगे भाई ये क्या है दोनों बोरिंग टीम है दोनों उतना भी अच्छा नहीं खेले है, पर यही फुटबॉल है यही फुटबॉल का रूल है और
फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड यहाँ पे फाइनल होगा। अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना, और आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, और लाइक जरूर करना इस वीडियो को। थैंक यू।